हाँ पढ़े ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जब तक आदेशों की पालना नहीं होती है, जब पालना नहीं होने के कारण जो साफ निर्देश है सरकार संपत्ति का उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि ही उसमें योग्य है। इसी गवर्नमेंट ने सन 2015 में आदेश निकाला है, उसके बावजूद उसमें अधिकारी कर्मचारी और पार्टी विशेष के लोगों के नाम प्रतीकों में नाम लिखे जाते हैं, वहाँ के स्थानीय प्रधानों को जिला प्रमुख को कई के MLA को सूचना नहीं दी जाती। ये मामला गंभीर है, इस मामले को देखते हुए जब इन आदेशों की पालना नहीं होती है तो ऐसे मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। हम चाहते हैं जब इस पालना नहीं हो तो इस मीटिंगों को यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है, इन मीटिंगों का बहिष्कार। कई महीनों के बाद बाड़मेर जिला परिषद की बैठक शुरू हुई। उम्मीद थी कि आम जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और सरहदी जिले बाड़मेर में आम जनता की बात पर हुक्मरानों के कानों तक बात पहुंचाई जाएगी। बैठक शुरू हुई, सांसद, कई विधायक, जिला प्रमुख, सारे अधिकारी और सदस्य शामिल हुए, लेकिन 10 मिनट में ही बैठक खत्म हो गई। दरअसल पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों का यह आरोप था कि अधिकारियों की तानाशाही के कारण जनप्रतिनिधियों को नज़रअंदाजगी का शिकार होना पड़ रहा है। राज्य सरकार के नियम स्पष्ट हैं कि किसी भी शिलापट्ट पर नाम नहीं लिखे जाएंगे सरकारी अधिकारियों के, बावजूद इसके जनप्रतिनिधियों के नाम हटा दिए जाते हैं और सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के नाम लिखे जाते हैं। हालांकि बाड़मेर की CEO ML नेहरा ने भी इस बात को स्पष्ट करते हुए कार्रवाई के संकेत दिए हैं, लेकिन बात यह है कि कई महीनों के बाद गांव की बात उठने को थी, वो बात अब कई महीनों के बाद उठेगी। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। क्या है कि आपको पता है कि पिछले दिन जिस तरह से पाटोदी में पंचायत समिति का शिलान्यास किया गया, तो उसके अंदर यहाँ से कलेक्टर साहब ने और CEO साहब ने चिट्ठी लिख करके उनको ये और फ़ोन से भी अवगत कराया है कि इसके अंदर जो इनके जो पदाधिकारी हैं कोई अधिकारी उनके नाम नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद उनके नाम लिखे जा रहे हैं। उनके बाद ये बाड़मेर के अंदर जो ग्राम पंचायतों का उद्घाटन हो रहा है उसके अंदर भी अधिकारियों के नाम लिखे जा रहे हैं, और ख़ास करके हमारे जनप्रतिनिधि जो गाँव से चलकर जिला परिषद की मीटिंग होती है यहाँ आते हैं और यहाँ पे आके हल्ला करते हैं, हर बात को रखते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का जवाब नहीं देते हैं। हमेशा यही होता है कि अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर हम मैं जो पूरा पूर्ण रूप से जवाब प्रस्तुत करेंगे मेंबर्स के सामने। 7 दिन के अंदर जो मेंबर्स को मेंबर्स अल्टीमेटम देता है कि 7 दिन के अंदर हम आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर आपके घर तक भिजवा देंगे, घर तक की बात की जिला परिषद तक कोई उनके प्रश्नों के किसी के जवाब नहीं आते हैं, तो फिर मीटिंग से क्या मतलब। ये बात तो मैंने नहीं कही, परंतु जो जो ये बात करते हैं, ये जो मीटिंग में जो मुद्दे उठते हैं इनके बारे में जो अभी जो जलदाय विभाग मंत्री हो और हमारे जो जितनी भी मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर हम
जोर शोर से मुद्दा रखते हैं, ये बात भी करते हैं कि अधिकारी काफ़ी, तो पंचायत समिति के अंदर तो जो अधिकारी पहुंच ही नहीं पाते हैं और जो जिला परिषद के अंदर जो अधिकारी पहुंचते हैं परंतु वो संतुष्ट रूप से जवाब ही नहीं दे पाते हैं। मैडम तो आम जनता के मुद्दों का क्या होगा, आप बहिष्कार करके बाहर आ रही है? नाम नहीं लिखे जाने की वजह से नहीं है, हमारी जितनी भी जिला परिषद की बैठकें होती हैं अधिकारी आते हैं आकर के सिर्फ नाम मात्र से रह करके वो चले जाते हैं। तो हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं गवर्नमेंट तक या मैसेज भेजना चाहते हैं, कम से कम उनको मालूम तो हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वजह से ऐसे कौन कौन से सरकारी दफ्तर या अधिकारी हैं जो जिला प्रमुख पद पर आप आसीन हैं, चूंकि आप कांग्रेस से हैं इस वजह से आपको टारगेट करते हुए सिर्फ आपके काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं, आपके जो सदस्य हैं उन तक सूचना नहीं भेज रहे? सभी ऐसे ही हैं अधिकारी, काफी हद तक हम हमेशा इनको बताते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जो मुद्दे उठाते हैं उनका कभी जवाब नहीं देते। लास्ट ईयर मीटिंग के समय भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, शायद आप इन्होंने बोला भी था कि मैडम उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे, तो मैंने मेरी ओर से अधिकारियों को अवगत भी कराया कि जो हम मीटिंग होती है उसके अंदर जो अधिकारी अपने यहाँ पे जो वापस जवाब नहीं दे पाते उनके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए। अब ताज़ा उदाहरण बता दूँ, चौटन के अंदर जो कल वो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है, तो इस तरह से हर मीटिंगों के अंदर अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं तो फिर मीटिंग से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम हमेशा जनता के साथ हैं और साथ रहेंगे और हर मुद्दे जो भी जनता के हैं हम हमेशा उठाते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनसे डर कर के बाहर आए, वो वाली बात है नहीं। हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बोर्ड होते हुए भी और जहाँ कहीं भी है इस तरह से जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो गलत है, इसके एहसास दिलाने के लिए हमने ये बहिष्कार किया। उनकी सुनवाई हो रही है जो सत्ता के साथ है, उनकी नहीं हो रही है जो प्रतिपक्ष में है, ये तो साफ जाहिर दिख रहा है। जिला परिषद में ये हालत आज यहाँ बाड़मेर नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर यही हाल है, पंचायती राज को पंगू किया जा रहा है। पंचायती राज के आप प्रमुख, प्रधान, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य, उनकी हालात क्या कर रखी है, सरकार बिल्कुल सुनी नहीं रही है। मैंने आप कह रहे हो कि बात हमने कहीं नहीं उठाई, मैंने ये विधानसभा के अंदर ये बात रखी है कि पंचायती राज को पंगू किया है, जो विभाग पंचायती राज को दिए हैं वो उसमें नौ मात्र के दिए हैं, अब इनकी अवहेलना हो रही है। आज इस जगह आज प्लान है, वार्षिक प्लान है, प्लान सेंक्शन जिसमें जनप्रतिनिधि की राय नहीं, प्रधानों को पूछा नहीं जाता, डेलीगेटों को पूछा नहीं जाता, प्रमुख को पूछा नहीं जाता, आज हर जगह क्या हो रहा है। कल चोटन के अंदर पंचायत समिति, वहाँ तो बीजेपी की थी, वहाँ निंदा प्रस्ताव पास क्यों हुआ? कल आपके गड्ढा रोड में क्या हुआ, बाड़मेर पंचायत समिति में क्या हुआ, पटौदी के अंदर क्या हुआ? आज मैं बताऊँ आपको, शिल्ला आप सरकार की बीजेपी की गाइडलाइन है, उद्घाटन के कार्यक्रम हो और उद्घाटन के कार्यक्रम में सरकार बीजेपी की गाइडलाइन है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी का उस शिल्ला लेख पे उद्घाटन पे नाम नहीं होगा, उसकी ये गाइडलाइन है, किसी का भी नहीं होगा, कलेक्टर का भी उसमें उद्घाटन में नाम नहीं होगा, जनप्रतिनिधि का होगा। इन्होंने इन सबको ताक में रखकर अधिकारी कर्मचारी प्लस कार्यकर्ता उनके नाम पट्टी पर डाल दिए और प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, डेलीगेट उन सबको इग्नोर किया जा रहा है। एमएलए तो खैर ये कर ही रहे हैं, तो ये जिस तरह से आज प्लान पास हुआ ये इसके बाद टीएस निकलनी है, पड़ी रही है, निकल समय पे निकल रही है, जिसको इनको एक एक साल से पेंडिंग पड़ी है, जो पानी की समस्या है, आज जिला परिषद में आके जो भी सदस्य बात रखते हैं कि भाई हमारी समस्या का समाधान यह हो, उस समस्या का सिर्फ जिला परिषद में बोल के जाते हैं, वापस उसका कोई समाधान नहीं होता, तो यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा। और अगर ये आज इस तरह से इसका हमने बहिष्कार किया है तो ये ऊपर राज्य सरकार के भी दिमाग में आएगी कि ये हमारे हालात क्या है, वो सुन उनको क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये जो जनभावना पूरी जिले की है और ये सरकार तक जाएगी, उनके पता लगेगा कि हमारे यहाँ जो ये जिस तरह से कह रहे हैं, हम एक तरफ तो पावर दे रहे हैं दूसरी तरफ पंगू बना रहे हैं, तो ये बात उनके सामने हकीकत आएगी। जनता की समस्याएं, सब दुखी है, सब भी आप इनसे पूछ लीजिए, कोई राजी नहीं है इस सरकार से, जल्दी इससे मुक्ति कैसे मिले, यही इन सबकी इच्छा है। आज मीटिंग का बहिष्कार तो मजबूरी में करना पड़ा कि बोर्ड हमारा होते हुए भी करना पड़ा, क्योंकि इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है, इनके जो भी है जो अधिकारी उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको ये करना है, जबकि अधिकारी इच्छा से नहीं करना चाह रहे, फिर भी उन पर इतना प्रेशर है इन जनप्रतिनिधियों का
कि उनका तो गलत काम भी उनका आपको करना होगा। आज सेडवा में मेरे ख्याल से 17 वीडियो बदल दी धनौ में। अब इस ढंग से कोई मतलब हर 3 महीने बाद ट्रांसफर आज नगर पालिका में कितने यू बदल दिए वो देख लो। हालात क्या है पूरे, कितनी योजना है, इनका क्या काम हो रहा है, पानी की योजनाओं का हालत क्या हो रही है, कोई योजना आज दीनदयाल ज्योति विद्युतीकरण की हालत क्या है, सारी योजनाओं का देख लो बुरा से बुरा हाल है। आप यहाँ बात कहे सुनने वाला कौन, सुन तो कोई नहीं रहा। इसलिए हमें ये बहुत ही निर्णय लेने के से पहले हमने कई बार सोचा होगा कि हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, पर मजबूरी में जनता के हित में हमें ये कदम उठाना पड़ा और ये जनता की भावनाओं को अगर कुचल रहे हैं इसको हम कुचल नहीं देंगे। और अगर यहाँ नहीं माना गया राज्य सरकार को विधानसभा में नहीं तो सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी उतरेगी। तो सर क्या जिला परिषद के जो अधिकारी है वो भी जिला प्रमुख का साथ नहीं दे रहे उनके कार्यकाल में? कहाँ दे रहे हैं सर, कार्यकाल की बात हो तो ये नौबत्ती कहाँ आती। अगर ये बात प्लान है समय पर हो जाता प्रधान ये बटेन से पूछोगा आपके प्लान पड़े आपसे राय लेके देते हैं। अगर ले यहाँ भेज भी दिए तो फिर उसकी AS और TS में अटका के वहीं रख देते हैं, उनकी मर्जी है तो सेंक्शन होने हैं, चाहे नरेगा के काम हो और चाहे दूसरे काम हो, सभी जितने भी सेंक्शन हैं। आप जनप्रतिनिधि किस लिए, ये इन जनता ने इनको किस लिए चुना है कि भाई इनकी जो भी इनको पता होगा कि गाँव में समस्या क्या है उस, और यहाँ बैठे बैठे जिनको जो सेंक्शन करना है वो करे तो ये आखिर तो गुस्सा फूटेगा। ये आखिर ये जितने भी जनप्रतिनिधि चुने हुए क्या करें, मजबूरी से हमें ये निर्णय लेना पड़ा। अब जो आज का ये मैसेज पूरे राजस्थान में जाएगा उसकी होगी तो ये भी जांच होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कम से कम वहाँ अधिकारियों के भी सरकार के अधिकारियों के भी कौन में जूड़ेंगे कि ये हालात ऐसे क्यों बिगड़ रहे हैं। तो और इस पर प्रेशर पूरी ये जो आज है इनका प्रचार ये पूरे राजस्थान में होगा कि ये जिस तरह से पंचायती राज को ये पंगू बना रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं हम सख्त कर रहे हैं दूसरी तरफ इनके पैर काट रहे हैं। आज शिक्षा अब इनकी आप शिक्षा कमेटी में देख लो इनको सिर्फ मात्र साइन करने हैं, पोस्टिंग इनको करनी, सारे किस स्कूल में अध्यापक इनको लगाना है सिर्फ इसमें अनुमोदन कर लो। क्या क्या नीति आंगनवाड़ी करो चाहे जितने भी आप विभाग इन पांच विभाग दिए इनकी समीक्षा करो कि इन पंचायती राज के पास उन्होंने रखा क्या है। 9 मात्र के पंचायती राज है, बाकी सारे पावर सरकार ने अपने पास ले लिए। और जब तक सुनवाई आपकी जैसे अभी जब हालात चल रहे अगर ये चलते रहे तो आप कांग्रेस इसी तरीके से करेगी, कांग्रेस तो सड़कों पे आएगी इनका विरोध करेगी जोर शोर से, नींद हराम करेगी कांग्रेस चैन से थोड़ी सोएगी। शहर में भी अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो बिल्कुल विरोध होगा, सरकार का विरोध करेंगे, जनता के इसमें जो भी हुआ वो हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर और करेंगे। क्योंकि आप इस प्रतिपक्ष में आप यहाँ पर हैं लेकिन यहाँ जिला प्रमुख से लगा सारे सदस्य चले गए, आप भी उठ के जा रहे हैं? हम भी उठ के इसलिए जा रहे हैं जो हमारे सरकार में हम होते हुए भी हमारे अधिकारियों के द्वारा और बड़े जनप्रतिनिधियों के द्वारा हमारा नाम नहीं लिखा जा रहा है। जिला परिषद के मेंबर शिवाना ले लो, सिंदरी ले लो, समिति ले लो, समझड़ी जी, एक भी जिला परिषद का नाम नहीं लिखा जाता। विजयलक्ष्मी जी विराजमान है, अभी हमारे मंत्री महोदय आए थे कर्मावास में, हम लोगों को सूचना तक नहीं दी वहाँ की। हम भी कांग्रेस के सदस्य हैं, उनके साथ हैं, जो अधिकारियों का मनमोनी का जो रवैया है उसका भी हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं कि भविष्य में BDO और CO का नाम लिखा जाता है और मेंबर का नहीं लिखा जाता है। सरकार ने मना कर रखे अधिकारियों का, बिल्कुल लिखा हुआ फिर भी अधिकारी बेलगाम है, उनकी मनमर्जी कर रहे हैं, तो हम भी इसका विरोध करके सदन छोड़ के जा रहे हैं। देखो दूसरी बातों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ नाम की बात है तो नाम नहीं लिखा जा रहा है इसीलिए हम लोग इनके साथ कांग्रेस के सदस्यों के साथ। कांग्रेस की बात के नहीं है, सदन के साथ हम तो हमारे विरोध करने वाले और वहाँ का जो वार्ड मेंबर का नाम लिखा जाता, पंचायत समिति के सदस्य का नाम को नाम छोड़ो वहाँ मतलब जो रहते हैं उनको खबर तक नहीं दी जाती। जिला परिषद के मेंबर जैसा कि अभी सोन सिंह जी ने या इंदाराम जी ने बताया कि इनको फोन तक नहीं किया जाता, कोई बात नहीं नाम तो लिखे, ये तो परमानेंट चीज है। और राज्य सरकार का भी कहा हुआ है, राज्य सरकार की बात में नहीं कहा। सर जिला परिषद की बैठक आज स्थगित कर दी? जी हाँ, फोरम के अभाव में खुद भी नहीं थे और जो 37 मेंबर इलेक्टेड उन
उनमें से कोरम के लिए कम से कम 13 मेंबर चाहिए, कोरम नहीं होने के कारण से। सर, दोनों पक्षों का बीजेपी और दोनों पक्ष शामिल हैं, उनका ये कहना है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जनप्रतिनिधि नाम तक नहीं लिखते, जबकि राज्य सरकार का ये नियम है कि नाम नहीं लिखा जाता। सही है, अधिकारियों के नाम और कर्मचारियों के नाम है वो सिलेख पट्टिकाओं पर नहीं लिखने के राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी के स्पष्ट निर्देश हैं और ये डायरेक्शन सभी जगह दिए हुए हैं, जहाँ भी लिखे गए हैं बिना किसी अनुमति के उनके खिलाफ कार्रवाई।